नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि इडियापम उपमा कैसे बनाया जाता है। और इसमें इंग्रेडिएंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्लेट के अंदर यहाँ पर है राई और ज़ीरा, चना की दाल, उड़द दाल और हींग, और एक टेबलस्पून में है थोड़ा सा नमक, करी पत्ता और धनिया। और इसके अलावा हमारे पास है कटी हुई थोड़ी मिर्च है, हरी मिर्च, उसके साथ अदरक है छोटे स्लाइसेस करके, और प्याज है हमारे पास, और काजू और मूंगफली। और इसके साथ ये है इडियापम जो साउथ इंडिया में फेमस है, केरला में मोस्टली बनाया जाता है ये। और साथ में हम यूज़ करेंगे तेल। सबसे पहले हम इडियापम को जो तोड़ेंगे टुकड़ों में छोटे छोटे, उसको अच्छे से हम छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लेंगे। देखिए वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं कि उसको एक तरीके से मैश करा जा रहा है इडियापम को। सबसे पहले हम पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तेल डालेंगे थोड़ा सरसों का, और उसको पैन के अंदर ठीक से फैला लेंगे। उसके बाद पैन के अंदर डालेंगे थोड़ी सी राई, एक टीस्पून से भी थोड़ा कम, और फिर थोड़ा ज़ीरा डाल देंगे उसमें। उसको थोड़ा हम चम्मच से स्टर कर लेंगे, हिला लेंगे थोड़ा। और फिर थोड़ा सा हाथ में लेके यू कैन से कि आप एक टेबल स्पून भर के उसमें उड़द की दाल डाल देंगे। चने की दाल, सॉरी। जीरा डालने के बाद उसमें हमने थोड़ी चने की दाल डाली है। चने की दाल को थोड़ा गर्म करने के बाद तेल में, फिर हमने ऊपर से उड़द की दाल डाली है। उसके बाद जो हमारे पास मिक्सचर था काजू और करोरी के अंदर, हमारे पास था मूंगफली, उसको हमने डाल दिया है। फिर उसमें आप एक कटोरी में प्याज जो हमने काटी हुई थी वो हमने डाल दी है कटोरी, और उसको अच्छे से हम तेल में भून लेंगे। उसके बाद हमारे पास हरी मिर्च और अदरक कटी हुई है, उसको हमने डाल दिया। को हल्का ब्राउन होने तक हम उसको भूनते रहेंगे पैन के अंदर। थोड़ा भूनने के बाद हमने ऊपर से करी पत्ता डाला इसमें, करी पत्ते से क्या होता है कि इसमें एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है करी पत्ते की। करी पत्ता डालने के बाद हमने उसमें लगभग क्वार्टर जो टीस्पून हमने हींग डाली उसमें, और उसके बाद इसमें नमक डालेंगे थोड़ा, और पूरे मिश्रण को हम मिला लेंगे। हल्का ब्राउन होने तक हमने उसको भुना, उसके बाद हमने इसमें डाला है इडियापम।
इडियापम डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, जो हमने बीच में मिक्सचर उसमें डाला था, प्याज और अदरक और करी पत्ता और दालें हमने डाली हैं इसमें, उड़द की, चने की दाल, ज़ीरा, हींग और नमक, इन सबको हम इडियापम में अच्छी तरह मिला लेंगे और उसको चम्मच से हम भून लेंगे थोड़ी देर। पूरे मिक्सचर को हमने अच्छे से भून लिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें नमक कम है तो आप इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक भी और डाल सकते हैं। और इसके बाद इसको भूनने के बाद हमने ऊपर गार्निशिंग के लिए ताज़ा धनिया की कुछ पत्तियां इसमें डाली हैं ऊपर से हमने, और इसी के साथ आपकी जो इडियापम उपमा जो है ये बनके तैयार हो चुका है। आई होप यू हैव ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस वीडियोज़।